हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024-25 के लिए, जिसमें कि हम लोग 29 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का पेपर देखने वाले हैं, जो कि जिसमें कि हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस को देखेंगे, और सिर्फ इसमें हम लोग करेंट अफेयर को छोड़ देंगे। करेंट अफेयर का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि करेंट अफेयर 2018 या 17 का होगा इसमें, तो उससे क्या मतलब है कि नहीं, क्योंकि उतना पुराना आने वाले किसी एग्जाम में पूछने वाले तो है नहीं, तो इसलिए करेंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे। बाकी बात, जो भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ओके, ये 29 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि इसका 35 क्वेश्चंस जो पार्ट 1 वीडियो में हमने करा दिया था, तो अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और देखिएगा किस तरह का पैटर्न था और आगे भी किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, आपको ये देखने के लिए इससे मिलेगा और समझ भी सकते हैं कि किस कैसे करना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पर दी गई तालिका 4 विषय विषयों में PCBM, ये सब इतना बड़ा डाटा पाने से बेहतर है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। पी विषय में चारों छात्रों का औसत अंक कितना है, यानी ये विषय है PCMB, ये विषय है, लेकिन इसमें से जो ये WXYZ जो है वह छात्र है, वह क्या है, छात्र है। ओके, ये आपका छात्र है WXYZ, तो बस पी का भी पूछ रहा है चारों छात्र का, तो पी का यही तो लाइन है, पी का इसको ऐड कीजिए और 4 से 5 दीजिए, आपका आंसर तक पहुंच पाइए, है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा थोड़ी ना सोचना होता है, डाटा एनालिसिस कीजिए और जवाब दीजिए, बस यही तो है। 70, 55, 55, 60, 95, बस इसको ऐड कीजिए, 9, 6, 15, 95 नहीं है दोस्त, 90 है, कितना है 90, यहाँ पर देखिए 90, 60, 55, 70, यही 4 डाटा है पी में, तो इसको ऐड कीजिए, 9, 6, 15, 5, 20, 7, 27 और 5, 275, कितना हुआ 275। अब कितने स्टूडेंट हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका भाग देने पर, तो 4, 5, 4, 7, 28 हो जाता है, 4, 6, 24 बच गया 3, 4, 8, 32 यानी 68 पॉइंट कुछ होना चाहिए, जो कि 68 पॉइंट कुछ तो बहुत सारे ऑप्शन में है। और आगे देखिए बच गया कितना, 3, 4, 7, 28, 4, 5, 20, 68.75, 7, 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह में के क्वेश्चन में तो आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें डाटा एनालिसिस यानी डाटा को एनालिसिस करना है और आप जवाब देना है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा इसमें कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है और इजी भी पूछे गए हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो अब 12 से अगर इसमें भाग देने लगे तो हो गया आपका, है कि नहीं, तो अब तरीका ढूंढिए इस 12 में क्या है, 4 और 3 है, 4 और 3 है कि नहीं, तो 4 से भाग लगने का रूल जो कहता है कि लास्ट का 2 संख्या 4 से विभाज्य हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब 4 से वह संख्या विभाज्य है, तो मेरे हिसाब से 4 से 88 में भाग लगेगा, 16 में भाग लगे लग जाएगा, 44 में लग जाएगा, 32 में लग जाएगा, तो इसका मतलब 4 से सभी में लग रहे हैं, तो इस तरह से आंसर डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक और कौन सी संख्या बचाए, 3, 3, 3 का रूल क्या होता है कि जितने भी नंबर है, जैसे कि हम कहते हैं 3, 6, 5, इसको 3 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा पूरी कटेगा, तो आप भाग देकर देखिएगा तब ना बताइएगा कि हाँ पूरा पूरी कटेगा कि नहीं, तो अन्यथा आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इन सभी को ऐड कर दीजिए
ऐड कर दीजिए जो आता है, 6 3 9 5 14, 14/3। क्या अब इस 14 में 3 से भाग लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 3 से ये 365 जो संख्या थी वो 3 से नहीं कटेगा, है कि नहीं? तो यही चीज़, या तो हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, कहने का मतलब, या हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते थे कि 365 जो है, 365 जो है, 3 से जो भी 3 से कटने वाला संख्या उसको हटाइए, 3 से कट गया, 6 भी 3 से कट जाएंगे, क्या 5 3 से कटेंगे? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, 5 3 से नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कहने का मतलब 3 1 2, अब यहाँ पर कहना था कि क्या ये 3 से भाग लगेगा, तो रूल क्या कहता है, या तो सभी को जोड़िए या तो बारी बारी से काट दीजिए। ये 3 तो कट जाएंगे, इन अब दो संख्या बचा, 1 और 2, मिलकर कितना हो जाएगा 3। क्या ये 3 जो मिलकर बना हुआ, ये 3 3 से कटेगा? तो आपका जवाब होना जो बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा, बात समझ रहे हैं? तो उसी तरह से 4 का हमने रूल लगाया तो नहीं पता चला, यानी आंसर नहीं पकड़ में आया। तो अब 3 से देखते हैं, तो 3 से कटाने का मतलब ये 3 कटा, ये 6 भी 3 से कटेंगे, उसके बाद 4 और 8 12, 12 3 से कटते हैं कि नहीं, बच गया 8। क्या 8 3 से पूरी तरह कटेंगे? तो आपका जवाब होगा कि नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन 3 से नहीं कटने वाला है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद 5 और 7 12, इसका मतलब ये 3 से कट जाएंगे। 8 1 9 9 भी 3 से कट जाएंगे, और ये 6 भी 3 से कट जाएंगे। इसका मतलब इसमें भाग लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट का दो संख्या 4 से भी भाग लग रहा था और पूरे संख्या 3 से भी भाग लग रहा था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात आप किसी को भी चेक कर लीजिए, नहीं कटने वाले हैं 3 से, नहीं तो आप ट्राई करके देखिएगा। ओके, तो ये तरीका है, इसको ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से भाग दें तब जाकर आंसर लाएं। नेक्स्ट, चलिए कीजिए इसको। एक पंप 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी अब 5 घंटे में भरती है। तो टंकी के भरे होने पर रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? ओके, तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं एक मेथड कि टंकी में जो पाइप, यानी 4 घंटे में जो पाइप भर रहा है, भरने वाले पाइप को हम ए मान रहे हैं और ये 4 घंटे में भर रहा है। ओके, और लेकिन रिसाव के कारण इसके साथ एक रिसाव आ गया, मतलब कि टंकी में, टंकी का जो पाइप है उसमें छेदा हो गया, जिसके वजह से 5 घंटा लग रहा है। यानी एक तो ए पाइप काम कर रहा है और उसमें से निकलने वाला पाइप कोई बी मान लेते हैं, जो कि इन दोनों ने मिलकर 5 घंटे में कंप्लीट करता है, बात समझ रहे हैं? ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पाइप, यानी जो छेद का जो है, मान लीजिए ये पाइप था पहले पूरी तरह से परफेक्ट था, तो 4 घंटे लग रहे थे। जब इसमें थोड़ा सा छेद हो गया तो पानी तो कुछ बाहर होंगे कि नहीं, तो पानी जब बाहर होंगे तो टंकी को भरने में समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए यहाँ पर 5 घंटा दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा समझिएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना, 20, ये ना? तो अब 4 से भागा दे दें तो 5 आएगा, और 5 से भागा दे दें तो 4 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये आपका ये वाला जो डाटा 5 और 4 जो निकल कर आया, ये आपका क्षमता है, क्या है? क्षमता है। और ये आपका कुल टंकी की क्षमता, यानी ये कह सकते हैं ये कुल कार्य है, क्या है? कुल कार्य। और ये जो है ये आपका समय है, ये जो है आपका समय है। तो यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता। ओके, यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, बात समझ ठीक है? ओके, तो अब देखिए, ए की क्षमता 5 है और इन दोनों का मिलाकर 4 है, इसका मतलब ए 5 होगा और ए बी जो है 1 होगा,
है कि नहीं? तभी तो ये चार बन रहा है। मेरी बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो है ए पांच है, और लेकिन दोनों को मिलाकर जब हम देख रहे हैं इसका मतलब चार ही हो रहा है। कहीं ना कहीं ये एक यूनिट पानी खाली कर रहा है पर घंटा, एक यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो क्षमता है माइनस एक है। बात समझ रहे हैं? तो इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कहता है टैंकी के भरे होने पर रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम अगर हम बारी बारी से लिखना चाहें कि ए की क्षमता जो है आपका पाँच है, और बी की क्षमता आपका एक यूनिट है। एक यूनिट भी कह सकते हैं, इकाई भी कह सकते हैं, है कि नहीं? आपका जो भी हो एक एक यूनिट है। तो काम किससे करवाना है? रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना, नहीं जो पाइप में छेद है उससे अगर इस 20 काम को खाली करवाना है तो कितना होगा? तो यहाँ से अगर हम समय बराबर देखें फार्मूला, तो समय बराबर फार्मूला क्या बनेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कुल कार्य अपॉन क्षमता, यही ना? तो कुल कार्य कितना? 20। कुल कार्य कितना? 20। किससे करवाना है? करवाना किससे? 20 से। तो 20 एक घंटे में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? एक यूनिट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 घंटा निकल गए, क्योंकि ये टाइम बराबर ही तो है, समय बराबर, 20 घंटा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ? इस तरह से समझिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इस तरह से जल्दी प्रश्न होता है, अन्यथा आप अगर वो उस रूल से बनाते हैं जैसे कि पहले शुरुआत शुरुआत में लोग इस तरह से किया करते थे, 1/4, फिर इधर जो है 1/5, इस तरह से कर करके जो बनाते थे उस हिसाब से, तो इससे जल्दी आंसर आएगा। मैं बस यही कहूँगा। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको उस तरीके को बताऊंगा जिससे कि आप जो है समय की बचत कर सकते हैं एग्जाम में, और आपको तो पता ही है कि समय कितना ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। मैं इसमें एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, टोटल प्रीवियस ईयर का ही पेपर हम ले रहे हैं। जो भी क्वेश्चन 29 अगस्त शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था वही सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ओके, वर्ष 2000 में मिस्टर एक्स ने कितनी कमाई की? यह है तो पूछ रहा है कितनी कमाई की 2000 ईस्वी में। तो क्या कथन एक से हमें प्राप्त हो सकता है? अगर कथन एक को देखा जाए गौर से, तो मिस्टर एक्स ने 2003 में 7000 कमाई की, 2003 में, लेकिन यहाँ 2000 ईस्वी में पूछ रहा है, यहाँ 2003 में कमाई की, जो उन्होंने 2000 में जो अर्जित की तुलना में 10% अधिक है। हाँ, इस लाइन से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि 2000 में जो भी धन अर्जित हुआ होगा उससे 10% ये अधिक है, उससे यह 10% अधिक है, तो हम बता सकते हैं। मान लीजिए 2000 ईस्वी में 100% वह कमाता था, लेकिन 2003 में जो है इसका 10% अधिक, यानी 2003 में जो है 110% हुआ कमाई कर रहा है। तो इसका मतलब 110% का वैल्यू 7000 है, तो 100% का आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन एक से तो हम निकाल सकते हैं, यानी कथन एक से हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट जो कह रहा है, श्रीमती वाई मिस्टर एक्स की पत्नी है, ठीक है, मिस्टर एक्स की कमाई का आधा हिस्सा और उन्होंने मिलकर 2000 में 9000 रुपये की कमाई की है, यानी श्रीमती एक्स वाई जो है मिस्टर एक्स की पत्नी है, ये बात फिक्स है। मिस्टर एक्स की कमाई का आधा हिस्सा, यानी जितना ये कमा रहे उसका आधा हिस्सा, और उन्होंने मिलकर 2000 रुपये की कमाया। तो हम कहते हैं यहाँ पर अगर हम तरीके से देखें कि मिस्टर एक्स मान लीजिए एक्स रुपया कमा रहा है, एक्स यहाँ पे एक्स ही है, तो मिस्टर एक्स अगर ए रुपया कमा रहा है तो इसकी
पत्नी जो वाई है मिसेस, वह ए बाई 2 रुपया कमा रहा है, इन्हीं दोनों के बराबर ये जो 9,000 रुपये है। क्या यहाँ से हम ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो इन तरह से दोनों हमारे लिए ज़रूरी है, और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब या तो एक पर्याप्त है या दो, दोनों में से किसी में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ या वाला लगेगा, ना इधर वाला रूल लगेगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, उस्ताद गर्मी बहुत है और फैन इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि साउंड प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, ये जीके है, चलिए जीके ही आ गया तो इसको बता ही देते हैं। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है? ये देखिए, जो ब्रिटिश है ये क्या है, अभिनेत्री, इसकी राष्ट्रीयता क्या है? वह ब्रिटिश है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। इसमें मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी लिए हैं, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ेंगे। ओके, दिए गए चित्र में त्रिभुज कार रखने वाले व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है, ठीक है? ये त्रिभुज जो है वह कार रखने वाला है, वर्ग जो है घर रखने वाला व्यक्ति है, ये जो वर्ग है इसके पास घर है, और प्रीत जो है ये सोना रखने वाला है। ओके, सोना, तो तीन फिगर है। तो इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनमें से केवल एक अर्थात घर, कार और सोना में से कोई एक रखने वाले कुल व्यक्ति कितना है? तो देखिए, जो सिर्फ घर रखता हो वह कितना है, ये है कि नहीं? जो सिर्फ कार रखता हो वो क्या है, ये है। प्लस रातों में ट्रक वाले सबको नींद नहीं आता है और गाना बजा के चल देते हैं, और जो सोना रखने वाले हैं वो सिर्फ ये है, इकलौता बोल रहा है ना, केवल बोला है केवल, तो यहाँ पर कह सकते हैं बी यानी सात में, तो कुल इतना व्यक्ति है। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, 1, 6, 7, यहाँ पर 1, 6, 7, ये राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप। देखिए, हमसे करने से पहले आप भी रोक कर क्या कीजिए जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एक सप्ताह में एक शहर का औसत तापमान 28 डिग्री, यानी टोटल कहने का मतलब सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन, यानी संडे से लेकर आपका ऐसे कह सकते हैं, देखिए मंडे से लेकर संडे तक, तभी ना 7 दिन आता है, संडे तक, जो कि इसका औसत टेम्परेचर कितनी है, 28। अगर हम कहें कि यानी सोमवार से लेकर इतवार तक, रविवार तक कितना होगा, तो 7 दिन है, तो टोटल गुना 7 से कर दीजिए, तो इसका कुल हो जाएगा जो भी हो, कुल 8 7 56, 7 14 5 19, 196 डिग्री सेल्सियस टोटल, यानी 7 दिन का, कितने दिन का, 7 दिन का, आदि सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार, यानी कहने का मतलब सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान इतना डिग्री सी है, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का औसत इतना है, तो गुरुवार का दर्ज तापमान कितना होगा? तो इससे बेहतर है कि देखिए, आप इतना ज़्यादा सोचिएगा तो हम कहते हैं कि इसको क्या करना है, यहाँ पर भी 4 दिन दिया है, यहाँ पर भी 4 दिन दिया है और यहाँ भी 4 दिन दिया है, इसका मतलब इसमें कोई एक दिन मिस होगा, जो कि यहाँ पर गुरुवार दिए, यानी गुरुवार का निकालना है, गुरुवार का हमें निकालना, यानी गुरुवार
दो बार इसमें काउंट हुआ होगा, देखिए यहाँ भी काउंट हुआ है, यहाँ भी काउंट हुआ है। तो चार चार दिन का ये औसत है, चार चार दिन का टोटल 8 दिन का हो जाएगा, यानी ये औसत और ये वाला इन चारों का औसत मिला के टोटल 8 दिन का औसत होगा, और हमें 7 दिन के बारे में पता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, इसमें सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, यानी ये गुरुवार 2 बार आएंगे, जहाँ भी आएंगे ये गुरुवार 2 बार आएंगे, बात समझ रहे हैं? तो इसको एक बार हटा देना है, फिलहाल पहले गुना कर लेते हैं, ऐसे इसको समझो, यानी 27 गुना 4, ये टोटल कितना है? जो भी होगा 27.5 था, कितना था? 27.5 गुना 4 दिन, ये टोटल होगा। और फिर इधर 29 है, और ये भी 4 दिन है, ये भी 4 दिन है, तो इन दोनों को गुना कीजिए, कितना आता है? 4 5 20 25 28 32, और 4 2 8, 4 2 8 3 11, यानी 110 आ गया, कितना आ गया? 110। इसको गुना कीजिए 9 चौके 36, 4 2 8 3 11, 116। तो ये टोटल यहाँ से अगर दिन को जोड़ें तो ये कितने दिन है? 8 दिन है, 8 दिन। यहाँ पर जो जोड़ें तो 6 2 और 2, 226। ओके, और यहाँ पर ये 7 दिन का इतना है और यहाँ पर 8 दिन का इतना है, और इसमें देखिए 2 बार गुरुवार काउंट हुआ है, इसका मतलब इससे इसमें गुरुवार एक ही दिन काउंट होगा और हुआ होगा, और इसमें गुरुवार 2 बार काउंट हुआ होगा, तो जो एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ होगा वही तो तापमान होगा गुरुवार का, मेरा कहने का मतलब समझिएगा। हालांकि देखिए इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन फायदा है कि आप शॉर्टकट से यहाँ निकलिए, नहीं तो आप लिखिए सभी दिन को, फिर जाकर आप गुणा कीजिए, कहाँ ये 4 दिन का फलना फलना दिन है, तब जाकर आपको पता चलेगा। इससे बेहतर है कि इस 8 दिन में इस 7 दिन को घटा दीजिए, 7 दिन को तो कितना है? 196, तो बच गया कितना? 0 12 हो गया 30 डिग्री सी, कितना? 30 डिग्री सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा बेसिक से ही समझाने का कोशिश करते हैं, हो सकता है बहुतों के दिमाग से निकल गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मात्र 30% लोग सही किए हैं, तो थोड़ा सा तो उलझन वाले तो क्वेश्चन है। जैसे हम कहते हैं 7 दिन में कौन कौन सा दिन आएगा? सोम, मंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और आपका रवि, इन सभी का योग क्या होगा? जो औसत होगा और जो दिन होगा, औसत कितनी है? 28। औसत कितनी? 28। कितने दिन टोटल इसमें है? 7 दिन, यही तो योग होगा, यानी इन 7 दिन का योग इतना होगा, तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 196 आया था, ठीक है। अब 4 दिन कौन कौन सा दिन दिया है समझिएगा, 4 दिन सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। सोम, मंगल, बुध, गुरु, इनका इनका योग कितना होगा? इन सभी इन चारों का योग कितना होगा? तो आपका जवाब होनी चाहिए औसत गुने कुल कितने दिन की संख्या है? 4, यानी 27.4, 27.5 गुने 4, ये होगा। इसको जो गुना कीजिएगा कितना आएगा? 110। ओके, फिर आपका कहाँ से है? गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है, गुरु शुक्र प्लस करते जाते हैं, सही रहेगा, गुरु शुक्र प्लस शनि प्लस रवि, इन सभी का योग अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? जो औसत दिया है वो और गुने में
4 दिन है टोटल, कई को दिन है 4 दिन, तो ये कुल योग हो जाएगा टेम्परेचर का, है कि नहीं। तो यहाँ से 116, ये अब यहाँ पर ऐड कीजिए, देखिएगा सोमवार इसमें एक हो, मंगल भी एक, बुध भी एक ही है, तो यहाँ तक तो तीन चीज़ तो दोनों में कॉमन है कि नहीं। फिर यहाँ पर शुक्र, गुरु, गुरु तो इसमें भी आ गया है, गुरु भी इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ गया है, बात समझ रहे हैं। तो 2 बार गुरु आया है, तो यहाँ पर शुक्र शनि रवि टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 8 दिन, यानी एक गुरुवार को हटाते हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ पर जितना डेट जितना दिन लिखा है इन सभी को जोड़ने पर वो यहाँ भी प्राप्त होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा गुरुवार यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गुरुवार मिल रहा है, वही एक्स्ट्रा का मान जो है टेम्परेचर गुरुवार का है, बात समझ रहे हैं। यहाँ से अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर 2 बार गुरुवार इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि शनि, और एक बार एक्स्ट्रा और गुरु, एक बार एक एक्स्ट्रा और आपका गुरुवार आ गया, बात समझ रहे हैं। और इन सभी को जोड़ेंगे तो आप टोटल यहाँ पे कहिएगा कि 8 दिन है, कितने दिन है, 8 दिन, जिसका योग 8 दिन के बराबर जो योग निकलेगा, ये 7 दिन का योग है, ये कितना दिन का, 7 दिन का योग, और ये 8 दिन का, 8 दिन का जो योग निकलेगा, 6 2 226, तो 8 दिन में ये वाला टोटल इस वाले का मान कितना है, 196, यानी 196 प्लस गुरुवार, प्लस का गुरुवार, और यही है, और इन टोटल 8ों दिन का कितना है, 226, तो गुरुवार यहाँ से निकल कर आएगा कि नहीं, 226 माइनस 196 जो कि आपका 30 डिग्री निकल कर आया, यही राइट आंसर है। बाकी बात आप कैसे समझते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, हम तो पहले ही बोले कि आप शॉर्टकट कीजिए, इतना लिखने में जो टाइम वेस्ट कीजिएगा उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए उसके बाद शॉर्टकट कीजिए तो बेहतर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि केवल ए अकेला काम करे तो ये 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम जो निकालेंगे वो टोटल काम होगा, तो 12 और 15 का एलसीएम 60, ठीक। तो यहाँ से इनका क्षमता निकालने का कोशिश करेंगे, तो इस 60 को 12 से भाग लेंगे तो 5, इस 60 को 15 से भाग लेंगे तो 4, ओके ये आएगा। तो यानी ए प्लस बी की क्षमता 5 है और सिर्फ ए की 4 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए की 4 है तो बी का कितना होना चाहिए, 1, अगर ए की 4 है तो बी का कितना होना चाहिए, 1, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। नहीं, हम इधर दूसरी भाषा में लिख, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ए की क्षमता कितना निकल कर आया, ए के सीधा में 4, 4 यूनिट या 4 इकाई कह सकते हैं, तो बी बी की क्षमता कितना निकल कर आएगा, क्योंकि ये दोनों का मिलाकर 5 है तो ए का सिर्फ 4 है, तो इसका मतलब बी को 1 होना होगा, है कि नहीं, 1 इकाई ये कह सकते हैं आप, ठीक है। अब सवाल पर जाते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क है, ये आपका टाइम है, ये आपका एफिशिएंसी यानी क्षमता है, तो यही इसी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क कितना, 60, कथा ए और बी एक साथ काम शुरू करता है, वे एक साथ काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, एक साथ काम करना मान लीजिए शुरू कर दिया, तो दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तो 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट काम करेगा, ये टोटल वर्क यहाँ पर ए प्लस बी गुने टाइम, मान लेते हैं इसको टाइम ये दोनों जो मिलकर करता होगा,
ये दोनों मिलकर जो करता होगा 1 घंटा तक किया। ठीक, बाकी बाद जो भी काम बचा, बाकी बाद इतना काम होने के बाद जो भी 60 में से काम बचा, वो काम सिर्फ बी करेगा अपनी क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है? 1। और कहता है कि ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले चला गया, इसका मतलब जो बी अब जो काम कर रहा है वो सिर्फ 10 दिन तक जो काम करेगा, क्योंकि 10 दिन पहले छोड़ के गया है, तो 10 दिन तक सिर्फ बी ही काम करेगा, बी ही काम करेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x+10=60। तो यहाँ से ये 10 उठकर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 60-10=5x। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर 50 10 यानी 60 में 10 गया, तो 50=5x, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, 50/5। तो इस हिसाब से x बराबर 10 दिन निकल कर आया। कैसे? हमने क्या क्या, दोनों ने जो टी समय ले रहा था एक साथ, यानी यहाँ पर पूछा क्या है, ए और बी एक साथ कितने दिनों तक काम किया, तो एक्स जो टाइम है ये दोनों का 7 का टाइम है, और ये जो 10 टाइम है, ये वाला 10, ये सिर्फ बी अकेले ही कर रहे हैं, बी अकेले ही कर रहे हैं, या तो यहाँ तो अकेले कर रहे, 7 वाला टाइम एक्स है, तो एक्स का मान 10 निकला, तो 10 आंसर हो जाएगा। या तो आप इसे दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, लिखिएगा थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा दूसरे तरीके से। थोड़ा सा दोस्त साउंड में प्रॉब्लम आता होगा क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसलिए मैं फैन को चलाया हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, उम्मीद है कि आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी है कि फैन नहीं चलाएंगे तो सिर्फ पसीना ही आएगा, और पसीना आने के बाद दिमाग की बत्ती खुलती नहीं है, है कि नहीं? तो यही बात है, और एग्जाम में गर्मी का कोई प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि एसी के रूम में बैठकर देते हैं एग्जाम। तो देखिए, बी ए और बी ने 7 काम शुरू किया है, लेकिन ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी बी ने सिर्फ जो 10 दिन जो काम किया होगा वो सिर्फ बी ने काम किया होगा, टोटल काम है 60। तो काम बराबर सूत्र क्या होता है? अभी हमने कुल कार्य बराबर सूत्र बताया, तो कुल कार्य बराबर सूत्र क्या, समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, है ना? तो समय कितना, 10 दिन, किसका, बी का 10 दिन, और बी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो यहां से काम कितना यूनिट निकला, 10 यूनिट काम निकला, 10 यूनिट काम निकला, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये 10 60 में से 10 यूनिट काम हो गए, तो बचे कितने, 50 यूनिट काम, टोटल काम कितना 60, और यहाँ पर बी ने 10 यूनिट काम कर दिया, ये बी ने काम कर दिया, बी का काम है 10 यूनिट, तो 50 यूनिट बचा, इस 50 यूनिट को दोनों ने मिलकर किया था वो एक साथ, और दोनों ने मिलकर जब काम कर रहे थे एक दिन में, वो 5 काम कर रहा था एक दिन में, कितने काम कर रहा था, 5 काम कर रहा था, क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो समय बराबर क्या दोस्त होता है, समय बराबर यहां से इसी फॉर्मूला को अगर हम उठा के देखें, तो काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता होता है कि नहीं? तो काम तो इतना है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 5, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 दिन, तो यानी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया था, इस हिसाब से भी आंसर आ सकता है, बात समझ रहे हैं? अब किसी तरीके से भी कीजिए, आंसर आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, तो आप पहले सवाल को ही देख लीजिए, 16 है यहाँ पर, क्या है प्लस, और यहाँ डायरेक्ट लिखिए प्लस को क्या कह रहा है, माइनस, माइनस लिखिए, फिर क्या है 4, 4 लिखिए,
उसके बाद क्या है, माइनस माइनस को क्या कह रहा है, गुना, दोनों हटा लिए। और क्या है, तीन। फिर क्या है, भागा, भागा को यहाँ क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है, प्लस डालिए। और क्या है, आठ। फिर गुना है, गुना को यहाँ क्या कह रहा है, भागा, भागा तो क्या है, छः। जब इतना देखने पर अब तो आपको आंसर बिना देखे मार देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 4 बार में, ये 3 बार में, तो नीचे में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में नीचे में कहीं ना कहीं 3 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही में ये राइट आंसर है। हालांकि आप कर भी सकते हैं, 16 और 4 तिया 12 प्लस 4/3, क्या बात समझ रहे हैं, 4/3। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, 16 12 गया 4 प्लस 4/3, यह ना होगा। तो यहाँ इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो भी इनका जोड़ हो जाएगा, 4 तिया 12 4 16/3। ऐसे तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सोच कर बना सकते हैं। एक नहीं, नेक्स्ट उसको मिटाते हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान पर सही बैठता है, रिक्त स्थान पर सही बैठता है। तो रिक्त स्थान कहाँ, यह वाला, तो हम यहाँ पर फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे गया डंडा, वो यहाँ मिलेगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एक बगिया शेप का बन रहा है, बगिया यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, और इस तरह से ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है, इस तरह से सेम टू सेम। तो इधर से ये कोना मिल रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे, नहीं ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये फिगर वाला क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस लगा कर आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं, बात समझे, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए कहता है जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित कौन सा नहीं है, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को, सबको देखने के बाद पता चला ये जो मुंडी खुल रहा है ऊपर की ओर, या तो इस जो इस तरह से झंडा बना हुआ है, इस तरह झंडा, लेकिन इसमें झंडा कुछ अलग डिजाइन से नहीं बन रहा है, बस जब अलग दिख ही रहा है तो मारिए अलग। हालांकि वही भी नहीं, अब आपके सामने खुद ही दिख रहा है, तो इसमें मैं क्या बताऊँ, कैसे कहूँ कि ये पिछड़ी इधर निकल है, नहीं आप समझदार हैं, समझ सकते हैं ये कैसे अलग हुआ है, आप सेंस कर सकते एक नहीं। नेक्स्ट बनाइए इसको, यहाँ पर क्या बोल रहा है, समुद्र में स्थिर नाव लहरों से टकराती है और क्रमानुगत शीर्ष 125 मीटर है, अधिक गति करते हुए शीर्ष कि लहर का वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो नाव के दोलन की आवृत्ति क्या होगी, नाव की दोलन की आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी दिया हुआ है, जैसे ये कहने का मतलब, या आप इस तरह से देखे होंगे कि दो शीर्ष के बीच जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई दो शीर्ष के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 125 मीटर दे दिया है, ठीक। और इसमें जो वेग स्पीड जो है वह शीर्ष की जो लहर है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए यहाँ पर फिगर क्या बनाए, आप डायरेक्ट समझने का कोशिश कीजिए, दो लगातार शीर्ष शीर्ष की बीच की दूरी, की बीच की दूरी कितना दिया है, 125 मीटर, यह ना। दूसरा चीज हमें दिया है
तरंग का वेग क्या दिया है? तरंग का वेग, तरंग का वेग क्या दे दिया हम लोग को? 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम क्या निकाल सकते हैं? टी, ये हमें भी का मान दे दिया, टी हमें समय निकाल सकते हैं, लेकिन हमें समय पूछा नहीं, आवृत्ति पूछा नहीं, फ्रिक्वेंसी पूछा है, एफ बराबर पूछा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले टी निकाल लेते हैं। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला रहता है, टी बराबर अपॉन भी, ये फार्मूला होता है। यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं, इसका मान कितना है 125, वी का मान कितना 25, तो यहाँ से समय कितना निकल कर आ जाएगा, टी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, बात समझ रहे हैं? तो आपका ये नहीं पूछ रहा है कि समय क्या होगी, आपकी आवृत्ति पूछ रही है, फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी एफ बराबर कह सकते हैं, एफ बराबर 1/t, 1/t, तो टी का मान कितना 5, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा 0.2 हर्ट्ज, 0.2 हर्ट्ज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बात समझ रहे? नेक्स्ट, लिख लीजिए इसको, 6:43 बजे घड़ी यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का माप क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट लगाइए 11 × m/2 माइनस घंटा गुना 30, एच गुना 30। अब m मतलब मिनट, m मतलब क्या है, मिनट, और एच मतलब है घंटा। ठीक, तो 11, अब मिनट m कौन सा लूँ, ये वाला 43 जो दिख रहा है, 43/2। अब h कौन सा लूँ, ये जो 6 दिख रहा है, ये आपका h है, गुना 30। इसको सॉल्व कीजिए, 11 × 43 कीजिएगा तो कितना होगा, 3/7/4/2 माइनस 6/18 यानी 180, यही ना? ये थीटा बराबर जो कोण, घड़ी में कोण जो निकलता है वो है, उसके लिए सूत्र होता है। यहाँ पर न्यून कोण बोला है, छोटा कोण बोला है, ठीक है, तो छोटा कोण मतलब कि ये जो इससे निकलेगा छोटा ही कोण का आंसर आएगा, अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या करेंगे वो भी बताएंगे। रुकिए जरा, 2, 3, 6.5 माइनस 180 घटाइए 5, 6, 13 में 8 गया 5, तो 56.5 डिग्री, कहीं ऑप्शन पर है तो है 56.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहने का मतलब ये फॉर्मूला लगाने पर और आंसर ना आए तो फिर क्या करें, ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या करें, या यहाँ पर ये नहीं लिखा हो कि न्यून कोण है तो फिर क्या करें? तो जो भी आंसर आया उसको आप 360 में माइनस कर दीजिएगा, जो भी थीटा का मान निकला उसको 360 में माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, देखिए, यदि रेखा एम एन पर एक दर्पण रखा जाए तब निम्न चित्र में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये इधर से स्टार्ट होगा, दर्पण है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे एस यहाँ पर सीधा है तो ये एस उल्टा बनेगा, यू तो जैसे का तैसे दिखेगा, वो भी जैसे का तैसे, तो यहाँ से स्टार्ट देखते हैं, एस यू, भाई यू सीधा होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा बना दिया, प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बना दिया है, यू ये वाला यू नहीं हो सकता, यहाँ पर सीधा है, सीधा है, सीधा है, टी टी सीधा ही होना चाहिए, एल ये ठीक है, यू एम यही तो आंसर है। हालांकि देखिए अलग और कैसे, टी देखिए यहाँ पर ये दर्पण जल प्रतिबिंब वाला टी बना दिया है,
इस तरह जो बन गया, इसका मतलब इस तरह का फिगर जो बने बनता हुआ जल प्रतिबिंब में बनता है, ना कि दर्पण प्रतिबिंब में। नहीं, यहाँ भी वही सेम सेम टू सेम काम किया है। यहाँ भी देखिए सेम टू सेम, ये दोनों गलत है, ये तीनों तो एक। ऑप्शन सिर्फ बी राइट है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे हम कहते हैं कि जल प्रतिबिंब में अगर ए को देखा जाए जल प्रतिबिंब में, तो अगर जल प्रतिबिंब कहने का मतलब नीचे में दर्पण समझिए, समझना है नीचे में दर्पण है। ओके, तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं? अगर पूछेगा सिर्फ दर्पण ए ऐसे, और यहाँ पर बोले दर्पण है, तो फिर ये कैसे बनेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सेम टू सेम बनेगा, है कि नहीं? सेम टू सेम बनेगा। अगर ई इस तरह से है तो दर्पण में पूछेगा तो ई किस तरह से बनेगा, मान लीजिए ये दर्पण है तो ई किस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो दर्पण और जल प्रतिबिंब में अंतर होता है। तो यहाँ पर ए देखिए, ये जल प्रतिबिंब बना बना दिया, टी जल प्रतिबिंब वाला बना दिया है, यहाँ भी टी जल प्रतिबिंब वाला बना दिया है, तो यहाँ दर्पण वाला चाहिए ना दोस्त, टी वाला, टी दर्पण में सेम टू सेम बनेगा, है कि नहीं? दर्पण में सेम टू सेम बनेगा, सेम बात है। कुछ ये बात कॉमन है जो कि आप जिससे आप जल्दी आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत कम समय में सबका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे इसको किया होगा। 27 से 65 गया है, 64 से क्या आएगा? तो हमें तो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है कि नहीं? और ये 8 का स्क्वायर है प्लस का एक, कह सकते हैं कि नहीं? 8 8 64, 1 65। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस हिसाब से तो आंसर नहीं आएगा। इसमें 5 ऐड हुआ, इसमें 5 होगा ऐड होगा तो क्या होगा, 9, 9 का स्क्वायर करके प्लस का 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर है, क्या 9 में 81 प्लस 1 82 नहीं है। तो ये स्क्वायर वाली यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इस जगह पर, खास करके इस जगह पर, पेन को छोटा करें, खास करके इस जगह पर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फिर काम कर क्या रहा है, यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर 3 से 1 ज्यादा 4, 4 से 1 ज्यादा कितना 5, 5 का क्यूब प्लस का 1 कीजिए तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 प्लस का 1 तो 126, 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी बात आप कैसे सोचते हैं पता नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये फिगर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था दोस्त इस चैप्टर में, इसका पार्ट वन में भी जो कराया है उसमें भी 2 3 को फिगर वाला था। हालांकि चलिए कीजिए, मेरे उम्मीद से ये वाला लाइन तो सीधा तो जाना ही चाहिए, है कि नहीं? फिर यहाँ जैसे है वैसे इसको इधर मिलना ही चाहिए, नहीं? और यहाँ पर जो ये कोनाठी में बनाया है उसको इधर भी कोनाठी में होना ही चाहिए। इतना चीज कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यहाँ पर जो है इसको इस तरह से आपको मिलाना ही चाहिए, तो इधर भी तो मिल रहा है, तो जब इतना कुछ मिल रहा है तो मार के निकलिए ना, देख क्या रहा है कि नहीं? यही राइट होगा, आप मिलाइए फिगर को, बाकी बात ज्यादा ऑप्शन को हम नहीं देख रहे हैं। राइट आंसर, राइट ऑप्शन जहाँ दिखे वहां मार कर निकलिए, इसी में आपकी भलाई हो सकती है। चलिए देखते हैं अब, जीके जीएस सभी को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने कोशिश जहाँ तक हुआ कि पहले मैथ और रीजनिंग को कराएं, जो कि हमने कराने का कोशिश किया। अब चलते हैं जिसमें जीके के सब हो। हाल ही में भारत की संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह आपका आसान हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा, अंतिम राज्य बताइएगा कि कौन से राज्य में सबसे लास्ट बार लागू हुआ है, सबसे लास्ट में लागू हुआ है जीएसटी, जीएसटी जो लागू हुआ है सबसे लास्ट में कहाँ पर लागू हुआ है, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था, ये बात भी बताइएगा।
हो सके तो जीएसटी के बारे में पूरा कमेंट भी भर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, चलिए इस फिगर को बनाइए। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, जो निम्न में से समूह से संबंधित नहीं है, अलग होनी चाहिए। हम यहाँ पर त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज में कितने भुजा, तीन, और इंद्र में कितने खाने बनी हुई है, एक दो तीन खाने बनी हुई है। ओके फिर ये भी यहाँ पर देखिए कितने भुजा दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच भुजा दिख रहे हैं, कितने भुजा, पांच भुजा। इसमें अंदर में पांच खाने हैं क्या, एक दो तीन चार पांच खाने हैं, बिल्कुल। ये बाहर कितनी भुजा दिख रही है, चार, अंदर में क्या चार फिगर है क्या, एक दो तीन चार पांच, पांच खाने हो गए, इसका मतलब यही गलत है। वहां के बाद इधर भी देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, छह भुजा वाला है, क्या इसमें छह खाने बनी हुई है क्या, चलिए काउंट कीजिए, क्या इसमें छह खाने हैं क्या, एक दो तीन चार पांच छह, बिल्कुल छह खाने हैं, तो इसका मतलब इन सब में जो लगना चाहिए वो लग रहा है, ये इसमें नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में जो सी है वो आपका संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, दोस्त हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, आप लोग कुछ अच्छा चीज मिलेंगे, ये तो करा दी ही दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पार्ट वन में भी था, लेकिन उसका आंसर कुछ और था, और इसका आंसर कुछ और होगा। चलिए इसको करने का कोशिश कीजिए आप लोग। तथा एक आदमी ओ से शुरू होता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। ये कोई वो पॉइंट है, पूर्व की ओर हम ले जा रहे हैं, पूर्व की ओर ले जाने का मतलब दाहिने तरफ ले जाना, और ये 20 किलोमीटर तक गया है ना, चलिए थोड़ा लंबा ही किस्त 20 किलोमीटर तक यात्रा किया, ठीक, और बिंदु ए तक पहुंच गया, ए तक पहुंच गया, ठीक है, और दाएं मुड़ा मुड़ता है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर, यानी दाया मुड़ा और 10 किलोमीटर तक चला, 10 किलोमीटर तक चला और बी पर पहुंच गया, ठीक, दाएं, उसके बाद दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, कितना, 9 किलोमीटर चलता है, ठीक, उसके बाद और यात्रा करता है, बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, यहां तक ठीक है, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ता है और यात्रा करता है बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक यात्रा करता है ए बी सी डी तक पहुंचने के लिए, ठीक, डी तक पहुंचने के लिए, फिर 5 किलोमीटर, ये तो मिल गया बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर यात्रा करता है, अब बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब इधर इधर एंटी क्लॉक, और कितना चला, 11 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ तक, यानी ये 11 किलोमीटर तक चला और ए बी सी डी ई तक पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गया, ई तक, और कुछ समय के लिए रुकता और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पर रुका और यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे बढ़ा, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ा, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, समझिएगा, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए, ये ई बिंदु है, बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, कितना, 6 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है, इतना बात हो गया। तो पूछ रहा है ए और डी के बीच
सबसे छोटी दूरी क्या होगी। देखो इतना झूठों का घुमा फिरा रहा था, इतना इतना दूर तक झूठों, ये तो आपको कहाँ तक पहुँचा दिया, एफ तक यहाँ पर, लेकिन ये पूछ रहा है ए डी का न्यूनतम दूरी। ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी। ऐसे क्रिया को मैं अगर पेन चेंज कर दूँ, ये है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब इसको अगर ऐसे देखा जाए तो ये टोटल 10 था, ये टोटल कितना था, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ और ज़्यादा अच्छा से समझ। तो इस दूरी को बोल रहा है, इस दूरी के बारे में ये बोल रहा है कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी। तो आपको टोटल पता है कि यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसका मतलब ये 5 होगा और इधर 5 होगा। ओके, इधर 5 और इधर 5, यहाँ से यहाँ तक आपका 9 है, तो इसका मतलब ये भाग भी सेम टू सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 9 होगा, तो ये 9 और ये 5, तो ये कर्म है। तो 9 * 81 + 25 तो कितना हो गया, 106। रूट अंडर 106, कैसे समझिएगा आप, कैसे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे कर्म स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्म स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या बनेगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या इस बात से एग्री है, अगर यहाँ से ये फिगर देखा जाए तो कुछ संपूर्ण त्रिभुज नहीं बना रहा है, यानी ये फिगर कुछ इस तरह से नहीं है, ये 5 ये 9 ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रम में, बस लंब कुछ भी मानिए, इसको मान लीजिए या इसको मान ले लीजिए, दोनों बात बराबर है, तो हम किसी को भी मान सकते। तो मान लेते 5 * 1 = 25, 5 * 25 + 9 = 81, दोनों को जोड़ें तो रूट अंडर 106, यही मेरा राइट आंसर है। देखिए झूठों का यहाँ तक घुमाया घुमाया फिराया, लेकिन आंसर अगर ये लाइन लास्ट में ही शुरू में पढ़ लेते हैं कि ए और डी के बीच पूछ रही है, तो क्या हमें ए तक जाने की ज़रूरत थी, नहीं ना, इससे समय की बचत होगी, इसलिए थोड़ा सा एक बार लास्ट भी पढ़ना चाहिए। ओके 106 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी बात आप कैसे बनाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलिए ये हो ही गया, ये भी करा दिया आपको, ये भी चलिए आलियाघाट वाली हो गई। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक पाउडर से अलग है क्या। तो यहाँ पर कहता है हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं दोस्त, बेकिंग पाउडर जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, जो बेकिंग सोडा होता है ना उसमें सिर्फ टैट्रिक एसिड को मिला दिया जाता है, हल्का टैट्रिक, जो टार्ट्रिक होता है या टैट्रिक जो भी बोले, हल्का टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है, टार्ट्रिक एसिड मिला, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। और यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का जो सूत्र आपका हो जाएगा, देखिए चलिए देखिए ये रासायनिक रूप से समान रूप समान तो नहीं होंगे, ये बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है नहीं, बाई कार्बोनेट होता है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, तो ये यहाँ पर गलत लिख दिया है बेकिंग सोडा, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं, ये यही होता है बेकिंग सोडा, यही होता है सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर करा हाँ बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब NaHCO3
प्लस प्लस का यहाँ पर जो होगा C4H6O6, ये आपका जो है बैकिंग पाउडर पाउडर, ये पूरा फार्मूला जो मिलकर बनेगा वो बैकिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा? बैकिंग पाउडर, बात समझ रहे हैं? ये यहाँ पर इतना सा ये जो है टार्टरिक अम्ल है। क्या है? टार्टरिक अम्ल है, बात समझ रहे हैं? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो ही गया, चलिए इसको कर दी। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग इतनी, तो वस्तु की उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु को हमने ऊपर फेंका जिसकी प्रारंभिक स्पीड थी 14 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन कुछ ऊपर तक गया होगा और इसकी वेग जो हो गया होगा वह 0 मीटर पर सेकंड हो गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो समय लगा होगा, तो हम मान लेते हैं t समय लगा होगा, और वही t समय पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है कि आप कोई सी भी वस्तु अगर ऊपर से कहीं ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वहां पर एक फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। या ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु को कुछ दूरी तक जाता है, फिर घूम कर लौट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पृथ्वी अपनी एक आकर्षण बल के कारण खींचता है। तो वो क्या है? त्वरण है। वो क्या है? त्वरण है। तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी मान पता चल रहा है? प्रारंभिक वेग u 14 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग भी 0 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय लगा होगा जिसको हम t मान रहे हैं, जिसको हम समय बराबर t मान रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर a हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 मीटर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना ये त्वरण का है। जब ये चार चीज आपको कहीं दिखे तो आप कौन सा फॉर्मूला ढूंढिएगा? हालांकि भी बराबर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू प्लस ए टी, लेकिन अगर ये फॉर्मूला पता ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप हमारे उम्मीद से आप सभी को त्वरण का तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ए बराबर क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी, है कि नहीं? और यही फॉर्मूला को तो सॉल्व करके ये गति समीकरण बना दिया है, बात समझ रहे हैं? तो आप या इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, दोनों में बात सेम होगा। तो चलिए कहीं भी रखिए, मैं इसी में रखता हूँ। ए का मान कितना? 9.8, 9.8, यानी ये जी का मान होता है। तो आप कहिएगा कि ये जी का मान होता है, जी भी तो एक त्वरण ही है कि नहीं? तो आप जो ऊपर फेंक रहे हैं वह त्वरण, वहां पर कौन सा त्वरण काम कर रहा है? पृथ्वी का त्वरण मान जो कि 9.8 होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है? 9.8, यानी त्वरण का भी मान कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो भी कितना है? अंतिम वेग 0 माइनस, यू कितना है? 14 अपॉन टी निकालना है। लेकिन यहाँ पर ये जो 9.8 लेना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जो 9.8 ले रहे हैं क्या ये प्लस मिलेंगे? नहीं, जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं कोई वस्तु को तो ये माइनस में लिया जाएगा, जब अगर ऊपर से कोई वस्तु को छोड़ रहे हैं तो फिर प्लस में लेते हैं, बात समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? -9.8 बराबर माइनस का 14, ये होगा अपॉन टी। तो ये माइनस से माइनस खत्म, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये तो ये क्या हुआ? 9.8 t अपॉन बराबर में 14, बराबर में 14, यानी t बराबर कह सकते हैं 14/9.8। इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर 0 है कि नहीं? तो t बराबर यहाँ से कितना निकल कर आएगा?
14 से तो 7 बार में कर जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो आपका जवाब होने जो बिल्कुल कट जाएगा, यानी 10/7, 10/7 तो 3 = 7 = 7 बचेगा कितना आपका 3 × 7 = 28, यानी पॉइंट के बाद ये 1.4 आना चाहिए, जो कि 1.48 ही ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि भाग दीजिएगा, देखिएगा कितना आता है। नेक्स्ट चलिए इस प्रश्न को बनाइए। यदि कोई लड़का 600 न्यूटन की बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा क्या है? खपत की जाने वाली ऊर्जा यानी पी बराबर कह सकते हैं W/T, लेकिन W भी तो हमें चाहिए, तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है F × S, है कि नहीं? तो हम पहले W को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर W कितना निकलेगा, F का मान कितना 600 और S का मान कितना 20 मीटर, दोनों SI यूनिट में था, तो यहाँ से कितना 6 × 12 = 1200 यानी 12000 जूल निकल कर आया, 12000 जूल निकल कर आया। ओके, तो अब हमसे पूछा क्या है, शक्ति यानी ऊर्जा, तो W का मान इतना 12000 जूल, समय का मान कितना 4 मिनट, मिनट को हम सेकेंड में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 60 से भाग दे सकते हैं, तो जूल सेकेंड, तो P बराबर यहाँ से कितना निकल कर आया, ये 0 से 0 कटा, 6 × 24, 24 × 5 = 120, 50 जूल सेकेंड, 50 जूल सेकेंड, और 1 जूल सेकेंड बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट होता है, तो इसका मतलब 50 जूल प्रति सेकेंड बराबर 50 वाट होगा, है कि नहीं? 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट होता है, तो 50 जूल प्रति सेकेंड बराबर कितना होगा, 50 वाट नहीं होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्त, ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका का द्वीप समूह है, तो ये आपका हवाई द्वीप समूह अमेरिका की है। नेक्स्ट, ये आपका LCM, ये तो बना ही लोगे आप लोग, 34, 85, 102 का है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 34, 85 और 102, तो इसको किससे खिला दें, 17 से सभी को घटा देते हैं, 17, 25 और 70, 6 = 72, 2, 1, 5 और ये आपका 3, तो है गर्तिया 33 और 5 × 10, ये 17 है, 17 × 51, 5 × 10, 510, देखिए 17 × 2 × 5 × 3 ये किया हमने LCM, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट गुना किया, 17 × 51 और 5 × 10 यानी 51 × 10 होता है कि नहीं, बस 10 से गुना करना आसान होता है, इसलिए हमने ये किया, तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट, चलिए इसको करने का चलिए एक तरीका बताता हूँ, या तो इसको भाग दीजिएगा तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना होगा, या तो हम कहते हैं डायरेक्ट ऑप्शन को उठा लीजिए। ऑप्शन को इस तरह का सॉल्व करने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है, ठीक? तो मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 को पकड़ता हूँ। ऑप्शन 1 क्या है, 0.003 के ऊपर वार है यानी रेकरिंग है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो है वो संख्या लिखेंगे और जितने पर है, जितने अंक पर ये रेकरिंग दिया हुआ है उतना 9 लिखेंगे, तो एक संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ है कि नहीं, और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं दिया है यानी पॉइंट के पहले जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं दिया है उतना 0 लगाना है, उतना 0,
तो कितना कहने का मतलब पॉइंट, ये रेकरिंग के बाद कितने संख्या पर, कहने का मतलब रेकरिंग नहीं है तो दो संख्या पर, तो दो जीरो लगा दिया हमने, तो अब कटाइएगा तो ये क्या आएगा, 1/300 है कि नहीं, 3 3 9, तो इसका मतलब ये जो मान आया है वही ये मान तो लिखा है कि नहीं। आवर्ती दशमलव का मतलब क्या, बार बार रिपीट होना, इसका कहने का मतलब है 0.03003 ये बार बार आते जाएगा, इसीलिए ये रेकरिंग लगाने का मतलब है कि, सॉरी यहाँ पर देखिए ये नहीं, इसका मतलब ये है यहाँ पर, ये जो अब 3 पर बार है ना, 3 बार बार रिपीट होगा, 3 बार बार रिपीट होगा, होते रहेगा, ये कहने का मतलब है इस रेकरिंग का मतलब। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा, हालांकि आप इस ऑप्शन को अगर पकड़ कर देखते हैं तो इसका कितना होना चाहिए, 0.03 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व किया गया 3, जितने पर रेकरिंग है उतना 9, जितने पर रेकरिंग नहीं है यानी पॉइंट के पहले जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो ये क्या हो गया 1/30, और क्या यहाँ 1/30 था, नहीं ना, तो ये हो गया आपका 1/300 है, तो 1/300 हमें पहले से पता चलता है। ओके, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, तो इसको आसानी से कर सकते हैं, हालांकि आप 1 को 300 से भाग दीजिए फिर देखिए क्या आता है आपका आंसर। नेक्स्ट, साठ ग्राम हीलियम में कितने मोल मौजूद होते हैं, ठीक है, हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना यानी एटॉमिक नंबर कितनी होगी, 2, तो इसका द्रव्यमान यानी मास नंबर कितना होगा, द्रव्यमान संख्या इसका जस्ट डबल, यानी हीलियम के 4 ग्राम द्रव्यमान के बराबर 1 मोल होगा, कहने का मतलब 1 मोल होगा, तो यहाँ पर कितना ग्राम दिया है, ये 4 ग्राम के बराबर है, 4 ग्राम के एक, 4 ग्राम के बराबर 1 मोल होगा, तो हमको 60 ग्राम दिया है, कितना दिया है, तो ये 60 का कितना गुना, तो आप कहिएगा 15 गुना, तो 1 का भी आप 15 गुना कर दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा, 15 मोल होगा, यानी 60 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, 15 मोल होंगे, बात समझ रहे हैं, तो ये इजी ही है, बाकी बात आप समझदार हैं, इससे पहले भी इस तरह के कई क्वेश्चन हमने कराया है। ओके, ये क्वेश्चन तो हो ही गया था, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या कहता है, आणविक सूत्र आईपीएक नेम समान नाम गलत समूह का चयन करिए, तो यहाँ पर C3H7 प्रोपोनोल ये नहीं होगा, यहाँ पर C3H8HO ये होगा, प्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है C3H8, या तो इसको या इसे कह सकते हैं C3H7OH ये आपका होगा, ना कि ये होगा, नहीं, तो ये आपका गलत है पहला, बाकी बस सभी के सभी सही है। ओके, नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया था। नेक्स्ट, ये अवतल दर्पण के साथ जब किसी वस्तु को फोकस एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है, ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए जो भी दिया रहे, मैंने एक टर्म बताया था कि चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर कोई वस्तु बोल रहा है फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब आप अनंत पर बना दो, किस पर, अनंत पर, तो यहाँ पर क्या करें, सी और एफ के बीच वास्तविक नहीं, अनंत पर बनेगा, क्योंकि अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, एफ पर वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा नहीं, फोकस पर है तो फोकस पर ही कैसे क्यों बनेगा, नहीं बन सकता, अनंत पर और वास्तविक उल्टा, अनंत ऑप्शन हमें दिखा, बाकी बता अनंत ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं दिखा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। हालांकि एक टर्म और हमने बताया था कि अगर वक्रता केंद्र सी पर रहे तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, चाहे वह लेंस रहे चाहे दर्पण रहे चाहे कुछ भी रहे, बात समझ रहे, तो ये 2 टर्म याद रखिएगा आसानी से,
मार सकते हैं। बाकी बात मैंने निकालने के लिए भी बताया था कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, अगर फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बनेगा। मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बनाया, या तो प्रॉपर नहीं बनाए भी होंगे तो किसी ना किसी सेट में हम इसको पूरा विस्तार से बताए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो पुराना क्वेश्चन ही है, हटाइए इसको, पढ़ लीजिएगा। ये भी हो गया है, क्या ये क्वेश्चन हमने कराया था? नहीं, मेरे उम्मीद से नहीं हुआ। एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है, तो जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के समान है, तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के संगत ऊंचाई क्या होगा? कोई बात नहीं है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या करें। त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार जो भी है समांतर चतुर्भुज के आधार का, समांतर चतुर्भुज का, पेन को थोड़ा पतला कर दो, समांतर चतुर्भुज का आधार, ठीक है। तो कहता है समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है, तो मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का आधार कुछ भी मान लीजिए जो 6 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, तो हमने मान लिया कि 12। समांतर चतुर्भुज का आधार कितना हो है? 12 माना है, माने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। 6 के मल्टीपल में कोई भी मान लीजिए, या 6 खुद क्यों ना मान लीजिए, 6 भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर 6 ही मान लेते हैं आप लोगों का। देखिए हमने 6 ही मान लिया, ठीक। तो कहता है समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है, इसका 5/6 कीजिएगा तो कितना होगा? 5/6 कीजिएगा तो कितना होगा? तो इसका 5/6 कितना हो गया? 5। इसका मतलब त्रिभुज का आधार 5 है, 5 यूनिट कह सकते हैं, 5 इकाई है। ओके, इससे आसानी होगा, हालांकि आप एक्स वर्क्स भी मानकर बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, संगत ऊंचाई कह रहा है। हम मान लेते हैं त्रिभुज की ऊंचाई को h1, चलिए लिख ही देता हूँ, क्या इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई को h1 मान लेता हूँ, इसकी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को h2 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुने ऊंचाई, ये लगा सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था दोस्त कि जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के समान, यानी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो हाफ त्रिभुज का आधार कितना? 5, त्रिभुज का आधार 5, ठीक। ऊंचाई को इसका h1 माने हमने, ठीक। और इसका आधार कितना है? 6, इसकी ऊंचाई को हमने क्या माना है? h2, ठीक है। तो इसको h1 को यहाँ रहने दीजिए, h1 को हमने यहाँ पर h1 हमने यहाँ रहने दिया, इस h2 को इधर लेता है ये, तो अपॉन h2 बराबर, इधर 6 पहले से था, ये 2 नीचे में, तो इधर गुना में आएगा, ये गुना में है तो ये भागा में आएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा, कितना? 6 × 12 अनुपात 5। तो किसका किसका पूछा है? त्रिभुज और समांतर, त्रिभुज की ऊंचाई h1 है, इसका मतलब 12 × 5 होगा, 12 × 5। थोड़ा ध्यान से इस लाइन को पढ़कर आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 5 × 12 भी दिया है, बात समझ रहे? तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्त, हमने कहा है ना, तो हमारे साथ आप 10 दिन बनकर देखिए, आपका 30 से जो है कि 50
तीस पैंतीस से पचास से ऊपर नहीं आने लगा, अगर तीस पैंतीस आ रहा है तो फिर आप कहिएगा कि नहीं हमने आपको गलत बताया है कि नहीं। तो हालांकि आज गर्मी बहुत है तो थोड़ा फैन वगैरह मैं बीच बीच में चला ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा दोस्त क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे इधर। ओके नेक्स्ट इस सवाल को कीजिए, यदि साइन एक्स बराबर कोस एक्स है तो एक से एक न्यून कोण है, तो टू साइन एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कोस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है तो यहाँ पर मान को एज्यूम कर लीजिए ना, हम कहते हैं यहाँ पर मान ही सोच लीजिए कि इन दोनों का मान बराबर होनी चाहिए, यानी इस जगह पर x जो थीटा है थीटा कहीं ना कहीं बराबर होनी चाहिए, तभी तो दोनों का मान एक रेट आएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वही कोस 45 डिग्री का भी मान होता है, इसका मतलब x के जगह आप 45 डिग्री रख रहे हैं, x के जगह आप क्या रख रहे हैं 45 डिग्री, और कहा भी इसने x एक न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटा है, तो x का जगह पे 45 डिग्री, तो यहाँ भी x के जगह पर 45 डिग्री आप पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन 45 का मान कितना 1/√2 और इस कोस 45 का भी मान कितना आता है 1/√2, तो दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो सेम यहाँ पर भी पुट कीजिए, टू साइन 45 डिग्री स्क्वायर है ना स्क्वायर ठीक माइनस थ्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो टू साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस थ्री कोस 45 का मान 1/√2 इसका भी स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 1/√2 का मतलब 1/2 स्क्वायर कीजिएगा तो है कि नहीं, इसको रूट टू को दो बार गुना कीजिएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, 3 × 1/ ये भी वही सेम चीज़ होगा, बात समझ रहे हैं, सेम टू सेम चीज़ होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, तो ये 2/2 माइनस ये 3/2, अब तो भिन्न का घटाव तो करना जानते ही होंगे, 1/2 माइनस का 1/2 आएगा, ये राइट आंसर। थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान दीजिएगा, ये भिन्न का घटाव आप आराम से कर लीजिएगा अपने से खुद से, हालांकि इतना सा कॉमन सेंस होनी चाहिए कि इस तरह का जब पॉइंट आए तो अब इसके आगे हमें हल ना करना पड़े, इतना सा दिमाग में कैलकुलेशन रख करने का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कि छोटा छोटा अगर गुना भाग आ जाए तो उसको बिना लिखे आंसर आ जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं दोस्त कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एलपी टेक्नीशियन में, क्योंकि सीट्स कम है कि नहीं, और ख़ास करके हमारे वीडियो जानते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं जो बहुत कमज़ोर हो, जिसको मैथ से डर लगता हो, बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम दोस्त देखते हैं जब हम आज से कुछ दिन पहले हम खुद टेस्ट लगाने जाते थे 50 के बीच में 100 के बीच में, तो देखते थे कि हमको इस प्रश्न को अगर 10 सेकंड 20 सेकंड में बना रहे, वही प्रश्न में कोई और भी जो है कि 2 मिनट 1.5 मिनट लगा रहे हैं, तो वो हमसे पूछते भी थे कि उसको कैसा किया, तो वहाँ कितना हम बता सकते हैं थे उसको, तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा किया जाए कि इस तरह से जो पूछा जाता है इससे बढ़िया कि हम एक वीडियो सेपरेट बना दो, और हालांकि हमारे वो दोस्त भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो भी हमारे वीडियो देखते हैं और अब सीखते भी हैं, तो इसलिए और आप लोगों को भी फायदा हो सकता है, तो इससे सभी को फायदा है और हमारा प्रैक्टिस भी हो रहा है। हम जितना ज़्यादा बनाएंगे, देखिए दोस्त हम जितना ज़्यादा सोर्स सेट को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा, ये बात जान लीजिए, हालांकि हमारा प्रैक्टिस ऑलरेडी है
मैं अभी तक प्रैक्टिस छोड़ा नहीं हूँ। मेरा प्रैक्टिस ऑलरेडी है, मैं बहुत सारे सेट्स लगा चुका हूँ। मेरे उम्मीद से एनटीपीसी का लगभग सेट मैं लगा चुका हूँ, मात्र हो सकता है 2-4 सेट बचा हो। लगभग सेट लगा चुका हूँ, ग्रुप डी का सेट लगा चुका हूँ, एलपी का टोटल सेट लगा चुका हूँ, बात समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिस अच्छा खासा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरा बहुत प्रैक्टिस है, नहीं। लेकिन इतनी है कि अभी भी मैं इस सेट को मारूं तो ये 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, और कटअप से पार भी कर दूंगा, जनरल कटअप से पार भी कर दूंगा। और कई बार मैंने दिखाया भी है सेट में, कई बार सॉल्व करके दिखाया भी है कि देखिए मैंने इतना नंबर लाया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना, है कि नहीं? प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्त। जितना मैथ प्रैक्टिस खोजता है, मैथ साइंस रीजनिंग ये सब प्रैक्टिस खोजता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होंगे, उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको कम टाइम लगेंगे, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये वाला तो हो गया था, करा दिए थे दोस्त। नेक्स्ट ये भी हो गया था, ये भी मैंने करा दिया। चलिए इसको देखिए, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो स्थिति ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, यानी जब आप बंदूक में से गोली को चलाते हैं तो वो पहले स्थिति ऊर्जा में रहता है, यानी बंदूक में जो गोली होती है वह स्थिति ऊर्जा में रहती है, वह गति में आ जाती है। चलाने के बाद वो किस में आ जाता है? गति में आ जाता है। ऐसे भी आप सोचिए ना कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि तीर धनुष के बारे में सुने हुए होंगे कि तीर, तना हुआ तीर में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आप छोड़िएगा वह गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, होती है कि नहीं? तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी है, गोली में भी है। नेक्स्ट दोस्त, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करनी चाहिए, है कि नहीं? मैं देखता हूँ कि दोस्त वीडियो तो लगभग 500-600 आदमी आराम से देखते हैं। हम जब से बनाना शुरू किया, पहले भले ही 100 आदमी 50 आदमी देखते थे, लेकिन इधर 1.5 से 2 महीने के अंदर कम से कम 500 आदमी तो ज़रूर देखते हैं। तो लेकिन लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। मतलब क्या आप लोग को पैसा लग रहा है क्या? बिना जब पैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग का ये हाल, अगर पैसा लगता तो आप लोग क्या करते हैं दोस्त? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये तो हो ही गया था। नेक्स्ट ये रणजी ट्रॉफी करंट अफेयर है, ये करा ही दिए थे। ये भी देखिए, ये वाला क्या कह रहा है, उस चित्र का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि देखिए इसमें क्या है। ये जो टेटनो निकला हुआ है, इसमें बाहर 2 गो है, इसमें टेटनो 1 केट हुआ है, इसमें टेटनो बाहर 2 गो है। टेटनो समझते हैं ना, जब माथा पर लाठी उठी लग जाता है टेटनो नहीं निकलता है, थोड़ा सा फूलने जाता है, उसी को हमारे बिहार में टेटनो कहा जाता है। तो यही है, तो ये टेटनो है, बात समझ रहे हैं? तो दो इसमें, इसमें 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, लेकिन इसमें 1 ही तो टेटनो निकला हुआ है। तो यही आपका अलग हो जाएगा, आपके उधर क्या कहा जाता है, आप कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं आपके वहाँ पर क्या कहा जाता है बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन तत्वों को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसको हाइलोजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे हाइलोजन ग्रुप का जो तत्व होता है, फलों क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं, है कि नहीं?
ग्रुप 17वां का, तो ये हाइलोजन होते हैं, बात समझ रहे हैं। एक्टिनाइट लेंथेनाइट तो वो नीचे में रहते हैं, जो आपका ऊपर में टोटल छः छः कहते हैं, पाँच, एक दो तीन चार पाँच लाइन रहते हैं, नीचे में दो, तो इस जगह एक्टिनाइट और लेंथेनाइट रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि इधर आपका केलकोजन जलकोजन ये सब तत्व आते हैं। एक बार आप लोग पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल आराम से आप लोग अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, उससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है हर एक एग्जाम में, एक नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फिगर यहाँ पर है उसको बाहर लगा दिया है, जो त्रिभुज यहाँ पर है उसको बाहर लगा दिया है, जो अर्धवृत्त यहाँ है उसी से उसको घेर दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब जैसा फिगर ये बाहर होनी चाहिए वैसा अंदर भी होना चाहिए, क्या वैसा है क्या? नहीं है, सेम टू सेम फिगर अंदर नहीं है, भले इसमें सिर्फ कलर फिल कर दिया है लेकिन सेम टू सेम अंदर में है, लेकिन यहाँ पर डी में सेम टू सेम नहीं है, आप देख भी सकते हैं। तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसको बनाइए। एक साइकिल 5 मिनट में 500 मीटर दूरी तय करता है, यदि वह समान गति से चलता है तो साइकिल चालक आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो बताइए कितनी दूरी करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना दूरी तय करेगा, हम कहते हैं कि आप काहे ले सूत्र फूत्र लगाने जाइएगा, 5 मिनट में 500 मीटर, ठीक है, ये मिनट है 500 मिनट, आधा घंटा का मतलब क्या 30 मिनट, यही ना, 30 मिनट में कितना मीटर, तो बताइए ये 5 से ये कितना गुना हुआ है, 6 गुना, कितना गुना हुआ है 6 गुना, तो ये 500 का आप 6 गुना कर दीजिए ना, 3000 मीटर, कितना मीटर 3000, लेकिन मीटर में आंसर नहीं देना है, किलोमीटर में आंसर देना है, ठीक है, किलोमीटर में आंसर देना है। तो इसको 3000 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, 1000 से भाग लगा दीजिए, ये कितना आ गया 3 किलोमीटर, कितना आ गया 3 किलोमीटर, क्या बात को समझ रहे हैं आप? यहाँ पर सूत्र लगाइएगा फलना ढिकलना, तो डायरेक्ट आप थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि समान गति से बोला है, गति को चेंज कहाँ कर रहा है, तो वही हिसाब से लगा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस सोच सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या है, एक वृत्त है, फिर एक स्क्वायर है, एक सर्किल है, फिर स्क्वायर है, इसका मतलब जो श्रृंखला में आगे पूछा जा रहा है कि आगे क्या आएगा, इसका मतलब वृत्त आएगा आएगा, तो वृत्त वाला होना चाहिए, ये तो स्क्वायर वाला होगा नहीं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि पहले श्रृंखला आगे ना बढ़ाना है, तो यही दो चीज़ आगे बढ़ रहा है, एक वृत्त वर्ग, वृत्त वर्ग, तो अगला में क्या आएगा वृत्त आएगा, अगला में क्या आएगा वृत्त आएगा। अब देखिए इस मुंडी को, ये मुंडी पहले इधर है, अब इसके बाद इधर आया, अब इसके बाद इधर आया, फिर इधर आया, तो अब ये का मुंडी खड़ा होना चाहिए, मुंडी खड़ा किस में है, मुंडी खड़ा तो इसमें तो है नहीं, और ये दोनों पहले ही छट चुके हैं, तो एक ही आंसर होगा जो ऑप्शन बी ए, यानी ऑप्शन में ए कहीं ना कहीं होनी चाहिए, होगा भी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है, यानी पेनक्रियाज द्वारा स्रावित होती है, तो ये आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, बाकी बाद ये माल्टोज लैक्टोज ये आंत में स्रावित होने वाले एंजाइम है। ओके, नेक्स्ट दोस्त, ऐसे भी ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है तो इसलिए मैं इसे थोड़ा अभी फास्ट खींच रहा हूँ। 10 न्यूटन का बल स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम 10 kg के द्रव्यमान के निकाय पर कार्य करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर चाल दे दिया है, क्या हम
यहाँ पर हमारे पास एफ का मान दिया है 10 न्यूटन, और मेरे पास द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है 10 kg। क्या इन दो चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं? इन दो चीज़ से क्या हम गति निकाल सकते हैं? नहीं ना, त्वरण निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम ए। त्वरण निकाल सकते हैं, क्या त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा क्या? अगर यहाँ पर हम फिल कर दें, ये 10 न्यूटन है और ये 10 kg है, तो ये बराबर क्या आ गया, 10/10, तो कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, जो कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो ये नहीं हो सकता, ये 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहीं पर है, ये राइट है। यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड दिया है, त्वरण का ऐसा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ना कि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 होनी चाहिए सेकेंड पर, तो जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट, ये मैंने करा दिया है। ओके तो ये टोटल 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और ये 29 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पेपर था, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो था, जिसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिया। अब जो है 30 अगस्त शिफ्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, और उसका भी 2 पार्ट होंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं पूरी तरह इसी तरह से बेसिक से बताते चलूँ और सॉल्व कराते चलूँ, तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बात समझ रहे हैं? बाकी बात आप समझदार हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ हमारी भी भला होंगे, अगर जिसके पास शेयर कीजिएगा उसका भी भला होगा, बात समझ रहे हैं? तो आगे क्या बोलूँ दोस्त, बाकी बात आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।